मुंगेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक और पुलिस ने कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बड़ी मिर्जापुर में हुई लूट कांड के आरोपियों को 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला है और साथ में लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। वहीं दूसरी ओर जमालपुर के कठियारा गांव में जाली नोट का कारोबार कर रही महिला को 14,000 रुपये के जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आरक्षी अधीक्षक गौरव मंगला ने प्रेस वार्ता में दी। सनमार्ग के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट। स्थान पर एक व्यक्ति के घर में लूट की घटना घटी थी, जिसके संबंध में कासिम बाजार कांड संख्या 111-19 दर्ज किया गया था। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। उस SIT ने 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन करते हुए इस कांड में संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी करते हुए इस कांड का लूटा गया सामान बरामद किया है। इसमें पुलिस के द्वारा कुल मिलाकर 3 देसी पिस्टल, 26 गोलियां, लूटी गई राशि में से 10,200 रुपये नकद, लूट के लिए यूज़ की गई एक अपाची मोटरसाइकिल, एक लूटा गया एक ATM कार्ड और SBI की पासबुक, एक हैंडबैग, ये सब सामान बरामद किया गया है। लूटे गए हथियारों के संबंध में कासिम बाजार और बरियारपुर थाना में अलग अलग केस भी दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर इन तीनों कांडों में 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है नीरज यादव, भोला यादव, राजा सहनी, अमित झा, समीर झा, संजीव यादव, श्यामानंद झा। इनमें से नीरज यादव, भोला यादव और अमित झा इस लूट कांड में इन्वॉल्व थे। इस कांड में इन्वॉल्व अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एवं अन्य सामान को बरामद करने हेतु छापेमारी जारी है। जमालपुर थाना में गुप्त सूचना के आधार पर एक जाली नोट बनाने के ठिकाने का उद्भेदन किया गया है। इसमें छापेमारी करके पुलिस के द्वारा 50 रुपये के 11 जाली नोट, 100 रुपये के 61 और 200 रुपये के 38 नोट, कुल मिला के 14,250 रुपये के जाली नोट, 110 नोट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इन नोट को प्रिंट करने के लिए एक कलर प्रिंटर की भी बरामदगी की गई है। इस संबंध में जमालपुर थाना कांड संख्या 108-19 दर्ज किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त हैं, उनमें से एक अभियुक्त श्रीमती रजनी देवी की गिरफ्तारी की गई है। रजनी देवी जिला भागलपुर की रहने वाली हैं, जो फिलहाल कोठियारा ग्राम जमालपुर में रह रही थी। जाली नोट निजी स्वार्थ के लिए इनके द्वारा प्रिंट किए जा रहे थे और सर्कुलेट किए जा रहे थे मार्केट में। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।